कि खबरें बदल जाती हैं, अखबार नहीं बदलता। खबरें बदल जाती हैं, अखबार नहीं बदलता। और नाम बदल देने से किरदार नहीं बदलता। आगे सुनिए कि खबरें बदल जाती हैं, अखबार नहीं बदलता। और नाम बदल देने से किरदार नहीं बदलता। और उसको लगता था कि बदल जाऊंगा मैं, उसको लगता था कि बदल जाऊंगा मैं। अरे सरकारें बदल जाती हैं, सरकार नहीं बदलता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो है, मेरा ये मानना है कि शुरुआत जो है हमसे ही होनी चाहिए। जो भी मतलब शुरू करता है, शुरुआत हमेशा उससे होनी चाहिए। तो आगे इसमें लिखा है, आधी अधूरी है, पूरी करने की कभी ख्वाहिश हुई तो करेंगे, फिलहाल आधी अधूरी सुनते हैं। कि खुद के फैसलों से फासला कर रही हो, कि खुद के फैसलों से फासला कर रही हो, यार कैसा ये इश्क में सिलसिला कर रही हो। आगे है कि सुनने में आया है व्यापार कर रही हो, सुनने में आया है व्यापार कर रही हो, हमें छोड़कर किसी और से प्यार कर रही हो, हमें छोड़कर किसी और से प्यार कर रही हो। और पहले तो जीती थी तुम साथ हमारे, पहले तो जीती थी तुम साथ हमारे, अब ये बताओ हमारे बाद किस पे मर रही हो, अब ये बताओ हमारे बाद किस पे मर रही हो। आगे है कि मिली थी धीरे धीरे तेजी से गुजर रही हो, मिली थी धीरे धीरे तेजी से गुजर रही हो, ये बताओ पास आने में इतना क्यों डर रही हो, ये बताओ पास आने में इतना क्यों डर रही हो। और ये सब तेरे फैसलों के कारनामे हैं, ये सब तेरे फैसलों के कारनामे हैं, दिल में थी पहले अब नजरों से उतर रही हो, कि खुद के फैसलों से फासला कर रही हो। तो ये है, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे है कि कुछ लाइनें ये हैं कि इश्कबाजी में हरकतें बहुत हैं, जिसने भी इश्क किया है वो जानता है इस चीज़ को, और मैं तो मानता हूँ सबने किया है, किसी ना किसी चीज़ से तो किया ही है, पार्टिकुलर किसी पर्सन से नहीं, किसी वस्तु से किया है, लेकिन किया है। तो उसके ऊपर है कि इश्कबाजी में हरकतें बहुत हैं, तुम्हारे शहर में नफरतें बहुत हैं, कि इश्कबाजी में हरकतें बहुत हैं, तुम्हारे शहर में नफरतें बहुत हैं, और तुम कब तक करोगी मेरी देखभाल, मेरी तो खराब आदतें बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे है ये, समझिए इसको, कि लोग आँखों से समझ जाते हैं, लोग आँखों से समझ जाते हैं, मैं इशारा नहीं करता, लोग आँखों से समझ जाते हैं, मैं इशारा नहीं करता, और एक बार जिसे पढ़ लूँ उसे दोबारा नहीं पढ़ता, एक बार जिसे पढ़ लूँ उसे दोबारा नहीं पढ़ता। और इस कदर बुने थे उसने जाल साजी के जाले, और इस कदर बुने थे उसने जाल साजी के जाले, वो बेवफा भी कहती है यार ये शख्स नहीं मरता। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इसमें एक गज़ल है जो 2015 में लिखी थी मैंने, और काफ़ी एंटीक है, मतलब मेरे लिए तो है ही, तो अभी आपकी नज़र कर रहा हूँ मैं, आप बताइएगा कि एंटीक है कि नहीं है। तो ये है कि एक्चुअली मैं रहता था आगरा में, तो दीवानी के पास से जो है, दीवानी भगवान टॉकीज के पास, वहाँ से मेरा निकलना होता था, मैं सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़ता था 2015 में, तो वहाँ उसको देख करके लिखी थी कि आज मेरे शहर ने इश्क की कचहरी लगाई है, आज मेरे शहर ने इश्क की कचहरी लगाई है, और सुना है वो बेवफा भी एक मुकदमा लेकर आई है, आज मेरे शहर ने इश्क की कचहरी लगाई है, और सुना है वो बेवफा भी एक मुकदमा लेकर आई है, इश्क में हम भी कुछ अर्जियां लगा दें, इसीलिए हमने कचहरी में जाने की योजना बनाई है। आगे है कि हम कचहरी में पहुंचे, हम कचहरी में पहुंचे सब बेकरार बैठे थे, हम कचहरी में पहुंचे सब बेकरार बैठे थे, कुछ लुट चुके थे इश्क में कुछ लुटने को तैयार बैठे थे, और लोगों की दलीलें सुनते सुनते दिल पर अंधेरा छा गया, लोगों की दलीलें सुनते सुनते दिल पर अंधेरा छा गया, और एक लंबे समय के बाद मेरा भी नंबर आ गया। आगे सुनिए, नंबर आ गया,
कि जज ने कहा सुनाओ कुछ दलीलें अपने प्यार की। जज ने कहा सुनाओ कुछ दलीलें अपने प्यार की, कुछ गलतियां निकालो अपने बेवफा यार की। मैंने कहा सुनिए जनाब, मैंने कहा सुनिए जनाब, किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ, उस बेवफा की पूरी कहानी तुम्हें बताता हूँ। कि वो बेवफा तो शायद नहीं थी, वो बेवफा तो शायद नहीं थी, खुद से अनजानी थी। एक दौर ऐसा था जब वो मेरी दीवानी थी, कुछ बात थी मेरी जो मुझे उसको बतानी थी, पर उस बेवफा ने मेरी एक न मानी थी, पर उस बेवफा ने मेरी एक न मानी थी। बस जनाब मेरी ये थोड़ी सी कहानी थी। आगे है इसमें कि कुछ पल तक कचहरी में सन्नाटा छा गया, कुछ पल तक कचहरी में सन्नाटा छा गया, एक लंबे समय के बाद मेरा भी जवाब आ गया। जज ने कहा मुझसे कि तुम्हारी प्रीत नई है, योर लव इज न्यू, नया है तुम्हारा प्यार। कि जज ने कहा कि तुम्हारी प्रीत नई है और तुम घर जाओ बेटे, वो लड़की जीत गई है, तो तुम घर जाओ बेटे, तुम घर जाओ बेटे, वो लड़की जीत गई है। और भी आखिरी लाइन इसमें ये है कि मैं घर आया अपने और अपनी डायरी निकाल ली, मैं घर आया अपने और अपनी डायरी निकाल ली, कुछ लिखने के लिए मैंने अपनी कलम संभाल ली, और लिखना शुरू किया तो कुछ समझ नहीं आया, बड़ी देर सोचने के बाद बस दो लाइन लिख पाया। और वे लाइन सुनिएगा कि बीते दिनों के कुछ किस्से याद से आए हैं, बीते दिनों के कुछ किस्से याद से आए हैं, और तेरे हक में बयान देकर मुकदमा हार आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी जो लाइनें हैं इनको सुना करके फिर मैं अपनी जगह लूँगा। और ये एक्चुअली क्या है कि एकदम मेरे ऊपर ही है, पहली और आखिरी मेरे ऊपर ही होती है। तो ये है, अभी एक इंसिडेंट हुआ था एक महीने पहले, उसके ऊपर लिखी है। मेरा एक भाई था, उसको गवर्नमेंट जॉब है, मैनेजर है, बैंक मैनेजर मुझसे बड़ा है। तो उसने मेरे को बोला कि जिसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती उसको प्यार नहीं होता, होना नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर लिखी है कि बेरोज़गारी का तलबगार कहाँ होता है, बेरोजगार का तलबगार कहाँ होता है, बिना सरकारी ठप्पे के प्यार कहाँ होता है, और नज़र बदलते ही बदल दिए जाते हैं प्रेमी, आजकल प्यार में इंतजार कहाँ होता है। धन्यवाद।